This is against the idea of India. It is against the Indian constitution. It is reprehensible. It doesn't even need an argument to refute it. This should be not only rectified, but it should be punished immediately, and such elements should be taken to task. पूरे देश में ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है. अल्पसंख्यक आज उससे परेशान हैं, डरे हुए हैं. उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनको घर नहीं मिल रहे हैं. एक धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं है. दिस इज येट अनदर शॉकिंग केस आफ्टर द ज़ीशान अली खान केस दैट हैज इमर्ज फ्रॉम मुंबई, बट इट इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग. आई हैव टेकन अप द मैटर विद द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. दिस इज अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट ऑल्सो एंटेल्स पीनल प्रोविजन्स अंडर द आईपीसी अंडर सेक्शन 153B, 295A एंड 505. आई थिंक दैट इमीडिएट पीनल एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट द बिल्डर एंड द ब्रोकर फॉर दिस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस. बट मोर इंपॉर्टेंटली, इट इज टाइम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू गेट टुगेदर एंड इवॉल्व अ फेयर हाउसिंग लॉ दैट प्रिवेंट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड अदर कम्युनिटीज इन द एरिया ऑफ हाउसिंग, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. Mumbai is the commercial capital of the country. It is an international city which gives message to the world that there is peace and harmony in India. And at a time when a woman, a Muslim woman, has been refused to be allowed to purchase a house in a society on the grounds of religion, is very shameful. It is also an offence under 153A of the IPC, which clearly says that if you promote enmity among two communities on the grounds of religion, race, or also you are disturbing the harmony of the place, I think FIR needs to be registered under 153A against all those people who refuse to allow this Muslim woman from buying a house.